केंद्र द्वारा राज्य में दिए गए 6,500 करोड़ रुपए के टीके के कारण राज्य की शेष राशि का उपयोग स्वास्थ्य के लिए ही किया जाना चाहिए। हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विकास कोष से उपलब्ध कराई गई 7 एम्बुलेंस के लोकार्पण समारोह में सुधीर मुनगंटीवार बोल रहे थे। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जन्ममुखी कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें समीर गुनावार के रूप में निर्वाचन क्षेत्र में कार्य सम्राट विधायक मिला है। उपरोक्त एम्बुलेंस समर्पण समारोह 18 जुलाई को स्थानीय निखाड़े सभागृह में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश सचिव राजेश बकानी, हिंगनघाट नगर अध्यक्ष प्रेम बस्तानी, पंचायत समिति अध्यक्ष शारदा आम्बेडकर, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष भूपेंद्र शाहनी मंच पर उपस्थित थे। नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी, जिला महासचिव किशोर दिखे, हिंगनघाट तालुका अध्यक्ष आकाश पोहानी, इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महासचिव किशोर दिखे ने किया और आभार प्रदर्शन हिंगनघाट बीजेपी अध्यक्ष ने किया। पहिली लाट कोरोना म्हणून झाली म्हणजे तेवढा काही खूप त्रास झाला नाही, काही लोकांना त्रास झाला, पण खूप काही ग्रामीण भागापर्यंत कोरोना पहिल्या लाटेमध्ये पोहोचला नाही। पण दुसरी लाट एवढी भयानक आली आणि ती केव्हा आली समजलं पण नाही। आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये पाहता पाहता अशी परिस्थिती आली, मधले 15 दिवस असे भयानक होते की मला रोज सकाळ की तुम्ही परवा जेव्हा माझं निमंत्रण दिले तेव्हा मी एका क्षणात स्वीकारलं, एका क्षणात यासाठी नाही स्वीकारलं की मी रिकाम मी यासाठी स्वीकारलं की आज अशा कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे, अशा सेवाभावी वृत्तीची आवश्यकता आहे। कधीतरी लहानपणी मी हे ऐकलं जे तुम्हीही ऐकलं की खाली हात आए है खाली हात जाना है। पण जेव्हा या 1.5 वर्षामध्ये या कोरोना महामारीमध्ये आपण मिस इंडिया न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।